हाँ, इसका आंसर कहाँ पे आयशा बोला आपने? पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे। हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसमें से आपको जो इजी लगेगा वो इंट्रोडक्शन देने का, बराबर? पॉइंट वाइज लिखा इंट्रोडक्शन चलेगा ना? हाँ, पॉइंट वाइज उन्होंने क्या दिया है, 1 2 3 4 ऐसे दिया है। वो टोटल पॉइंट दिया है 19 पॉइंट दिया है ना, उसमें से 10 पॉइंट लेने का, जो इजी है वही पॉइंट लेने का, 10 से 11 12। अच्छा, बस देखो, ढाई बस पेज ना। लिखना है आंसर, 10 मार्क का है ना, तो ढाई पेज 3 पेज, ठीक है? आगे पीछे ना हम आगे पीछे। मैम, थोड़ा बोल। आप एक्सप्लेन कर दो ना, मतलब पॉइंट, इसके पॉइंट वाइज नहीं, आपको मोटा मोटी जैसा मालूम है क्या क्या पॉइंट्स इसमें आना चाहिए। एक मिनट, एक काम करेंगे क्या, हम पहले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में करती हूँ। जो क्वेश्चन है ठीक, पहले वो देखेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले मार्क कर लेते। हाँ हाँ, वो करेंगे ना एक बार, तो आपको ध्यान में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा, मुझे ये लेना है, ये लेना है, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने पूरी कल देखी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला आपने, वो कौन से पेज पे है? क्योंकि मेरे इसमें अलग अलग कुछ है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। इनाम, इनाम मैम, दूसरी सबसे पेज हो गया, थ्री। उसके बाद हाँ है राइट शॉर्ट नोट ऑन ईनैम, उसी के नीचे जो उसी के पेज ईनैम, उसके नीचे दिया है क्या? हाँ देखो ना, हाँ पेज मैम, नंबर स्कीम के अंदर है ना, पहला वाली स्कीम ईनाम करके, पेज पेज नंबर कितना है? ट्वेंटी नंबर 3। एट ट्वेंटी नहीं, एट आंसर पे क्वेश्चन है और अच्छा 3 पे, पेज नंबर 3 पे आंसर है ईनाम अच्छा स्कीम इनाम, इम्प्लीमेंटिंग बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके नेशनल नीचे ईनाम। एग्रीकल्चर मार्केट, मंजे राष्ट्रीय कृषि बाजार बेट, मतलब उसका क्या है, नेशनल ये एग्रीकल्चर बाजार पेट ना, राष्ट्रीय कृषि बाजार पेट, लेकिन वो ई बाजार पेट है। ई बाजार पेट मतलब ऑनलाइन बाजार पेट। इलेक्ट्रॉनिक ना मैम? मैम लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बोला है तो एपीएमसी मंडी को क्या बोला है, मतलब एपीएमसी तो अपन जाके लेते हैं, वो ऑनलाइन का आता है। लेकिन हाँ अभी ये जो है ना, जैसे आते कभी कभी क्या होता है, अभी ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है, ये आपके इसमें है, मराठी वालों के इसमें नहीं है तो मैम एक काम करते हैं ना, आज है ना ये। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन पूरा मार्क कर लेते, फिर आप हाँ गो थ्रू करके कल आपको एक्सप्लेन कर दो, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कुछ बता नहीं सकती मैं तो, क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं है। एपीएमसी हाँ मार्केट में क्या होता है कि वहां वो पे, तो मालूम है, हम लोग को मालूम है, हम लोग वहीं से भले क्या थे बाजार, हाँ ठीक है, तो आप ही मुझे यही बताओ। हो। ये मेरे को नहीं पता मैम, एपीएमसी का क्या क्या नहीं क्या पता, क्या, एपीएमसी मंडी नहीं पता, मुझे नहीं पता है। मतलब वहां पे क्या होता है बड़े लेवल पे, मतलब अभी तुम्हें ये मेरे से ज्यादा आशय बताएगी, क्योंकि वो वहां पे ही रहती है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट रहती है, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना घाउक, मतलब रिटेल, रिटेल में वो खरीदी बिक्री का व्यवहार चलता है। तो यहाँ पे वो अच्छा, बोलते हैं टन, टन मतलब क्या होता है, 1,000 किलो मतलब 1 टन, क्विंटल मतलब क्या हाँ होता है, 100 किलो मतलब 1 क्विंटल। तो यहाँ पे टनों में मतलब लाखों टन, मतलब 1,000 किलो मतलब 1 टन, तो लाखों टन माल की दिन भर में खरीदी और बिक्री होती है। मतलब आप मिर्ची लेंगे ना, मिर्ची तो मिर्ची में शिमला हाँ मिर्ची है, उसमें 100 प्रकार मिलेंगे। जो छोटी हरी मिर्ची होती है ना, उसमें कम तीखे वाली रहती है, सूखा हाँ वाली मंजीते रहती डोबरी है। मिर्ची ना। हाँ मराठी है क्या तू? हाँ बट हाँ, तो ह्याच्या माझे मध्ये, इंग्लिश है। ओके, तो ह्याच्या मध्ये खूप सारे प्रकार मिळणार। आता समज तुम्हाला सुक्या मिरच्या घ्यायच्या असतील, तर बेडकी मिरची आहे, काश्मीरी मिरची आहे, अजून कोण कोणत्या हाँ प्रकार आहेत, ते असंख्य प्रमाणात, म्हणजे कांदे बटाटी वगैरे, कांद्यांमध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात, बटाट्यांमध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात, म्हणजे क्या मोठ्या प्रमाणावर इथे काय केले जाते, ते रिटेल मार्केट म्हणतात ना, खूप म्हणजे होलसेल, हो, होलसेल किंवा ते, म्हणजे तुम्हाला 1 2 किलो नाही, ते तुम्हाला घ्यायचं असेल तर 1,000 किलो, 2,000 किलो, 4,000 किलो असं,
मैं 4 टन, 5 टन, 10 टन, 20 टन, 50 टन, 100 टन, इतका मोटा प्रमाण हुआ। इस यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो फार्मर्स है वो अपना मतलब हमारे गांव का माल भी या एपीएमसी मार्केट में आता है, अच्छा तो या मतलब हमारा जो गांव है ना उसमें से जो लोग हैं वो उनका दिन का 500 किलो, 100 किलो कारली मिर्ची निकलती है। वो लोग क्या करते हैं, एक हमारी सोसाइटी है जो मैंने बोला ना कोऑपरेटिव फार्मिंग, जो सेम मैम, मतलब जो मेरी नीड है वो उस आगे वाले फार्मर की भी है। तो हमारी नीड क्या है, हमारा जो जो खेती का माल है वो गांव में इतना बड़े इसमें नहीं बेच सकते, तो हमें बॉम्बे में लेके जाना है। तो बॉम्बे में लेके जाने के लिए मुझे अकेले की तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि इतना टेम्पो करो, उसका भाड़ा, आने जाने का खर्चा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे वो एग्रीकल्चर की सोसाइटी फॉर्म की है, कोऑपरेटिव, और वो जो जो लोग ये मिर्ची या कारली लगाते हैं वो मार्च से लेके मई तक या जून के फर्स्ट वीक तक एपीएमसी मार्केट में हमारा पूरा माल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, अच्छा वहां पे या हमारे सोसाइटी का एक आदमी डेली वहां पे जाता है, और वहाँ अलग अलग जो ये है कौन है वो खरीदीदार लेने वाले ना, वो व्यापारी कहा जाता है, वो रहते हैं, उनको कोड नंबर रहता है, यहाँ पे खेत जो किसान रहता है उसका कोड रहता है, और वहां पे अलग गुप्ता होगा कोई कोई और कौन होगा, शुक्ला होगा, वो अलग अलग उनके उनके तो उनके वहां पे कोड रहते हैं और हमारा भी कोड रहता है। तो उसके हिसाब से सिर्फ कोड नंबर डालने का, वो जो बड़ी सी ये रहती है ना टोकरी, बहुत बड़ी रहती है, हाँ उसमें हर एक इसमें 100 किलो 150 किलो रहता है, या गोनी रहती है ना उसमें भी उतना रहता है, हाँ इसका कोडिंग रहता है वहां पे, और यहाँ का माल वहां पे रहता है। मतलब डेली किसान कोई जाता नहीं, सिर्फ हमारा सोसाइटी का एक आदमी जाता है वहां पे जाके, जो रहेंगे ना, आज उन्होंने 10 किलो के मतलब 10 किलो मिर्ची है तो उसको 70 रुपए दिया है, 100 रुपए दिया है, उसके हिसाब से आपका कितना है, उसके हिसाब से आपके पैसा जो आपकी सोसाइटी देगी उसके अकाउंट में आएगा, उस अकाउंट में आप निकाल सकते हैं। ऐसे वो ऐसा सब सिचुएशन रहता है, वो यहाँ पे अकेला किसान जाएगा और वो करके आएगा वैसा नहीं, वो हमारा एक टेम्पो रहता है और उसमें सब किसान का गांव भर का माल उसमें शाम को इकट्ठा किया जाता है, शाम को टेम्पो निकलता है, सुबह या रात तक 2 2:30 बजे तक या 11 12 बजे तक वहां पे पहुंचता है, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग सब हो जाता है, अनलोडिंग होता है, बाद में जहां जहां जिस जिस के नाम पे जिन जिन लोगों ने डाला है वो व्यापारी के यहाँ पे माल जाता है, और वो व्यापारी उसको खरीद लेते हैं, और उसको जो कुछ उनका रेट रहेगा आज दिन का, आज मिर्ची का क्या रेट है, करेला का क्या रेट है, टोमेटो का क्या रेट है, उसके हिसाब से वो पैसा मिलता है। और वहाँ और कौन आता है, जिनको ये माल उठाना है लेना है वो भी आते हैं, मतलब हमने किसान ने व्यापारी को दिया और व्यापारी के पास और कोई व्यापारी आता है वो उठाते हैं, और उठाकर क्या करते हैं, अभी गांव में मिर्ची लेनी है तो मिर्ची लेनी है तो अभी देखो मटर सब या नहीं आता, तो मटर कहाँ से आता है, एक तो नासिक से आता है, नहीं तो बॉम्बे के मार्केट से लिया जाता है। बॉम्बे से मार्केट। हाँ तो वो जो मुंबई में बैठने वाले सब जो छोटे छोटे थैले वाले है ना सब्जी बेचने वाले, उसका हाँ एक जोन रहता है ना वो वहां पे जाता है जिनका वो खरीद लाता है, और बाकी छोटे छोटे जो रहते हैं ना उनको देते हैं, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अभी जो देखो हमारे इधर मॉल्स है तो मॉल्स में भी अभी सब्जी बेची जाती है, तो मोर है या रिलायंस है या अलग अलग है ना, ये कौन से अभी बहुत सारे मॉल्स है, तो वहां पे भी तो मॉल वाले क्या करते हैं, वो वहां से बहुत उनका वो ये डेली का रहता है, मतलब हाँ हमें इतना डेली इतना का। माल चाहिए, वो एक इकट्ठा माल उठाते हैं, और इकट्ठा माल उठाते हैं, जितना इकट्ठा माल उठाएंगे ना उतना सस्ता पड़ता है, इस प्रकार का उनका अच्छा वो एपीएमसी का कारोबार चलता हाँ है। ओके। मतलब आप देखेंगे खुद जाके तो वो बहुत ही अलग माहौल है, इसके लिए आप जाओ, ये क्या है, आशिया को लेके जाओ, आशिया हमें भी बोलो हम भी आएंगे। आप उधर ही रहते क्या? अच्छा हाँ मैं उधर ही रहती हूँ, मतलब वो दूर है थोड़ा यहाँ से, बट हाँ, तो वहां पे मैं भी सेक्शन है ना, वो कांदे बटाटे का अलग है, फ्लावर्स अरे का मैं अलग भी है, मसाले मुंबई में इधर रहती है रे। का अलग है, तो ये आप ऐसा वहां पे देखेंगे ना, क्योंकि वो TYBA में भी आपको ये एपीएमसी मार्केट का है पेपर नंबर 5। अच्छा हाँ तो ये आप जो खुद से देखेंगे ना, अभी ये जानकारी कैसे, हम तो किसान है, तो किसान है इसके लिए हमें ये जानकारी है, हमारे गांव का माल जाता है ना एपीएमसी मार्केट में,
उसके लिए। अच्छा मैम, मैंने आप लोग के वो मतलब डिस्कशन में मैंने मार्क्स तो कर लिए, बट ये पूरा चैप्टर ही है, पूरे क्वेश्चंस, इसमें तो इतने क्वेश्चंस है मैम, इतने क्वेश्चंस है। अभी देखो उसमें से हमें क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन है इसको ऑप्शन में डालना है। अच्छा देखो हम 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करेंगे, यस 9 क्वेश्चन करेंगे, तो 9 में से 1 तो कोई आएगा ना आपको। होती आपको क्या पैटर्न क्या है आपका एग्जाम का, क्वेश्चन पैटर्न क्या है? हाँ उसमें से 10 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन देते हैं उसमें से उसमें कौन से। से भी हाँ 10 लिखने का या मतलब और नहीं? अब मॉड्यूल दिया है ना, जो हमारे बुक में देखो स्टार्टिंग में दिया है ना, आप नंबर क्योंकि आपका पैटर्न बता मुझे मालूम नहीं है इसके लिए। बाप रे। दें। नंबर 1 है ना, 1 हाँ मतलब वन हाँ नहीं, रोमन नंबर रोमन वन। फिगर 1। हाँ। तो देखो ये अभी जैसा 5 मॉड्यूल में डिवाइड, 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है ना, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ एक मिनट एक रूरल मिनट, कहाँ पे है पेज नंबर बोला आपने? रोमन नंबर 1। हाँ स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज एबीसी दिया है, बाद हाँ में ये मत, ये टॉपिक 1 है, बाद में दूसरा दिया है हाँ ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो टॉपिक 2 है, उसमें ABC 3 है, हाँ उसके भी सब टॉपिक है। हाँ तो ये जो पहला वाला है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे एग्री, फिर दूसरे वाले में से 2 आएंगे, ऐसा रहता है। नहीं मैं क्या पूछती हूँ, अभी टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 में से क्वेश्चन 1 आएगा बराबर, तो उसको ऑप्शन में एक ही रहेगा या 2 रहेंगे, मतलब ए और बी रहेगा या ABC, ए और बी रहता है, उसमें उसमें से से एक एक लिखना, लिखना है। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, ऐसा टोटल आते हैं 20 क्वेश्चन। मतलब 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं उसमें से बराबर। हाँ तो आपको क्या करना है, एक आधा क्वेश्चन ऑप्शन को ही डालना है कंपलसरी। आपने 10 क्वेश्चन दिए है तो 10 में से आप 9 करेंगे तो उसको ऑप्शन आएगा ही ना। आठ क्वेश्चन आते हैं, फिर वापस शॉर्ट नोट रिपीट होती है चैप्टर। तो उसमें भी ऑप्शन रहता है ना, हाँ हाँ तो एक एक बट क्वेश्चन में ऑप्शन को डालू जो हाँ ये आपको आपको। इम्पोर्टेंट है ना, मुझे जो लगा ये चैप्टर में से, वही मैंने सिर्फ मार्क किया है। तो एक तो हो गया, ये सारी जो अपनी स्कीम बताओगे आप, ईनाम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और फिर ये परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVV, ये कहाँ ग्रामीण पढ़ रहे हो भंडार। तुम, हाँ ये कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये पेज मैं नंबर 28। 28, 28 एक मिनट। हाँ हाँ मैंने मार्क कर ली हूँ आंसर। क्योंकि हमारा मराठी वालों का ना अलग है बुक। हाँ तो कैसा, आप आज जब भी मतलब आपको टाइम मिलेगा तो आप मराठी में भी गो थ्रू कर लिए, तो हम लोग को बोल देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा लेकिन हमारे इधर इसमें क्या दिया है मालूम है क्या, एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में ये जो आपको दिया है ना अलग 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 अलग, हाँ उसको ना एक हाँ ही क्वेश्चन में उन्होंने ये आपको ये 8 पॉइंट दिए है ना, स्कीम हो गई मतलब, हाँ वो स्कीम हो गई वो पूरी। एक क्वेश्चन में 8 पॉइंट दिए है, मतलब हाँ 1 पॉइंट 7-8 लाइन का है ऐसे दिया है, ये आपको सेपरेट सेपरेट सब दिया है, तो इतना कब करेंगे? आप मतलब हम लोगों को ना मैम ऐसा चाहिए कि आप लाइन टू लाइन पढ़ाओ, इनाम मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कृषि क्या है, ऐसा सब भी बता दिए तो हम ओके अपने। ओके 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 कोई बात नहीं, वो बता दूंगा ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या फिर आंसर ये जो, इन शॉर्ट है, हाँ आंसर ये लाइफ इन स्टॉक ब्रीफ। इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्टॉक फिशरीज वाला, मतलब ये जो शॉर्ट नोट है ना ये इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन फंड होता है, और जो ब्रीफ पीछे है फिर ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या ये, क्या क्या कितना कितना पढ़ेंगे पीछे, एम्स ऑब्जेक्टिव। एक काम करो ना, आप कॉलेज जाते हो या सर से बोलो कि पिछले बार के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे ना 3-4 साल के, तो पिछले बार के नहीं है ना, हमारा भी ये पहला ही है ना CBCS पैटर्न, पहले सब वो एनुअल थे, उनकी बुक ही अलग थी। ऐसा है क्या? लेकिन बुक अलग, मतलब सिलेबस तो सेम ही रहता होगा ना?
अब वो नहीं पता, मैं सर से तो बात की थी तो सर बोलते हैं जो तुमको इम्पोर्टेंट लगे वैसा वैसा ही पढ़ो, ऐसा बोल रहे। क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा दिया है, 3 नंबर में तो अच्छा है, बट सिलेक्टेड ही है। आप ठीक हम लोग को ना है आंसर इन शॉर्ट में बता देंगे तो उतना भी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं ये 2 का ना देखती हूँ पहले, क्योंकि ये 2 का हमारा अलग है, मतलब सिलेबस सेम है लेकिन आपको दिया हुआ अलग है, क्योंकि ये ना एक्चुअली इजी है लेकिन आपको ये हार्ड करके लग रहा है सब मुझे। तो हमारे इसमें एक ही क्वेश्चन में पूरा जो आपको दिया है ना, 8 पेज 8 जो स्कीम है, तो एक ही इसमें है, 8 8 लाइन 10 10 लाइन में दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या नहीं तो हम पेपर नंबर 3 का देखते हैं, आगे वाला चैप्टर मैम पहले फिर का वो क्या रहेगा कि मैं हमको स्कोर होएगा, दूसरे में स्कोर ही नहीं होएगा। क्या, मैं बोल रही हूँ फिर ये रह ही जाएगा ना अपना। नहीं, ये क्या करती हूँ मैं, पहले आज देखती हूँ आपका क्या है, क्योंकि हमारा अलग है आपका अलग है, तो मुझे देखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं कल बता देती हूँ फिर आपको। हाँ वही मैं बोल रही थी मतलब, और ये मार्क कर लेते हैं ना, मतलब मैं बोल रही थी 2 चैप्टर मार्क कर लेते हैं, आप कल 2 चैप्टर हम लोग को एक्सप्लेन कर दो, तो एक साथ में 2 चैप्टर उसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। फिर मैं आपको मतलब परसों के लिए ना फिर मैं मार्क करके आपको ऑलरेडी दे दूंगी ना कल ही, तो फिर वो 2 चैप्टर 3 का हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, ऐसा करके लेंगे तो दो दो ठीक करके अपन हो जाएगा। आप मोटा मोटी एक्सप्लेन कर लो, हम लोग इलेबरेट कर लेंगे वो। है, तो अभी फिलहाल क्या लूँ? वो सिर्फ हमको मालूम पड़ जाए बस। नहीं, अभी फिलहाल क्या लूँ, आपका आवाज में। मैं बोल के आपको मतलब दूसरे चैप्टर का भी, अभी पहला वाले का हो गया ना, मतलब उतना ही करने का, लाइव स्टॉक तक आंसर इन शॉर्ट तक, मतलब शॉर्ट नोट तक, हाँ, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन तक है ना जो पेज हाँ, नंबर, बस उतना ही मैंने आपको, मैं फोटो भेज दूंगी उसके, आंसर्स भी मैंने मार्क कर ली हूँ, तो पेज नंबर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, आप उस पर एक बार गो थ्रू करके हमको सिखा देना। ठीक है, और फिर और फिर बाद में अभी मैं बोल रही हूँ सेकेंड मतलब मार्क कर लेते, और फिर कल आप हमको ये डायरेक्ट एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, आप मुझे ये भेज दो मार्क करके, मैं वो देखती हूँ। तो अभी हम पेपर नंबर 3 लेते हैं क्या, आगे वाला चैप्टर, क्योंकि वो हमारा और आपका सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा ठीक है, मुझे अलग अलग और ही सेकेंड लगेगा। नंबर चैप्टर तो बहुत छोटा ही है, हाँ हाँ सेकेंड नंबर चैप्टर है ना जो इसका पेपर नंबर 2 का, वो छोटा ही है, तो अच्छा उसका भी मैं आपको मार्क करके अभी आज रात को भेज देती हूँ, मतलब ठीक है ठीक है, तो अभी है हम ना। देखते हैं कौन सा चैप्टर आ गया पेपर नंबर। अच्छा उसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है ना रे। हाँ उसका सिर्फ वही है ना, ट्राइबल डेवलपमेंट, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, एकलव्य हाँ मॉडलिंग और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर का, और गोंडवाना म्यूजियम का, और बिरसा मुंडा का ना। हाँ पेपर नंबर 3 का है ना ये, नहीं नहीं पेपर टू है, पेपर 2 का। ठीक है, पेपर नंबर 3 का हम 6 चैप्टर देखते हैं फिर अभी। 1 मिनट पेपर 3 का ना, मैम, डायरेक्ट 6 चैप्टर लेंगे मैम, 6 मतलब ये ना सेकंड चैप्टर अभी। थर्ड ना, लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन हाँ पार्ट 1, वही हाँ वाला। हाँ तो वो आप मुझे क्वेश्चन देखा देखती हूँ मैं, और फोर्टी वो सेवन एक पेज नंबर 47 पे ना। हाँ हाँ 58 पे इसका क्वेश्चन हाँ 1 मिनट है, मैं आपका भी ओपन करती हूँ, जो PDF है आपकी। 58 पे पूरा क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ बोलो पेज नंबर बोलो आपका। पेज नंबर 58। यूनिट एंड क्वेश्चंस। एक मिनट बताते हूँ,
एक मिनट, ये है ना जमीन सुधारणा विषयक कायदे, वही है ना। हाँ, नेचर एक्सप्लेन द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म बाय क्लेरिफाइंग द नेचर ऑफ लैंड रिटेंशन इन इंडिया। क्वेश्चन है ना ये, एक हाँ, मिनट। लैंड रिफॉर्म बाय क्लेरिफाइंग द नेचर ऑफ लैंड रिटेंशन इन इंडिया, है ना, ये हाँ, का। वो पेज नंबर अभी 48 है से। हाँ, महलवारी सिस्टम, जमीन हाँ, सुधारणा। तो इसमें वही। क्या क्या करना है मालूम है क्या? सबसे पहले इसका ये लेना है इंट्रोडक्शन। मैम ये पेज नंबर है ना, एक मिनट, पेज नंबर 50 पे इसका आंसर। हमारा ना पेज नंबर अलग है, 135 पे है आंसर। नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। हाँ, तो इसका सबसे पहले क्या बोला है आपका, पेज नंबर क्या बोला? 50, 50। 50। एक मिनट, हाँ एक मिनट। फिर नेचर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, तो ये है हमारा पेज नंबर 51 से स्टार्ट होता है। पेज फिफ्टी नंबर से फिफ्टी, स्टार्ट होगा ना। हाँ इंट्रोडक्शन देखो, पेज नंबर कहाँ पे दिया है? 48 पे दिया है। हाँ, नेचर एंड क्या बोला है आपको, नीड ना, नेचर एंड नीड है ना। तो जो 48 पे इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, वो लेना है इसमें, पेज फिर नंबर फिफ्टी 48। फिफ्टी फिफ्टी पे है आंसर। हाँ, ये इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं लेना है, 8-10 लाइन, आपको जो उचित लगेगा उस हिसाब से आपको उसका इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद क्या दिया है, द नीड ऑफ लैंड। वो जैसा आप हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे ना, महलवारी क्या लिखने का, ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेंगे ऐसा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ, महलवारी क्या है, जमींदारी और है ना मैम, ये है ना उसके बाद में उसका नीड। सिस्टम फिर हाँ वो नीड। है, ये देखो इसमें क्या करना है, जो ये क्या बोला है आपको, नेचर, नेचर मतलब हमारे इसमें स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, महलवारी दिया है, रैयतवारी दिया है और जमींदारी दिया है। तो जो जो महलवारी पद्धति मतलब क्या होती है, यहाँ पे है ना रेवेन्यू, सबके तीनों में ना रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है किसी भी इसमें। ये जो जमीन धारणा मतलब क्या दिया है आपको, जो टैक्स इकट्ठा करना है ना, वो टैक्स हाँ, किस तरीके से इकट्ठा करना है, इसके लिए उन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं। वो अलग अलग मतलब इसमें मतलब जैसे कि अलग अलग राजाओं के इसमें, कालखंड, ब्रिटिश कालखंड में अलग थे, शिवाजी महाराज के उसके इसमें अलग थे, या अलग अलग कालखंड में अलग अलग टाइप्स के हम क्या करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसके लिए उन्होंने उस टाइम पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये महलवारी जो पद्धत है, सिस्टम है, तो उसमें क्या किया जाता है, ये पूरे गांव की गांववातील शेत जमीन संपूर्ण ग्रामीण समाज के संयुक्त मालकी से, संयुक्त मतलब ये पूरा जो गांव का जमीन है वो किसी एक के मालिक की नहीं, मतलब ये मेरी जमीन है ना 10 एकड़ तो ये मेरे मेरे नाम की है, ऐसे नहीं है। गांव में 500, 600, 1000, 200, जितने 2000 लोग, जितने लोग रहेंगे तो वो गांव का पूरा एक-एक कोना ना कोना, वो क्या है, हर एक गांव के जो रहने वाला लोग है उसके नाम का होगा, मतलब संयुक्त मतलब क्या है, सबके नाम पे ही है जमीन। इसके लिए इसका जो रेवेन्यू है वो गांव का कोई एक आदमी भरेगा, एक आदमी भरेगा मतलब सब जन गांव का इकट्ठा करेंगे और जहाँ पे भरने हैं वहां पे जाके गांव में हम एक लोग आदमी रहेगा, उसको उसका हेड बनाएंगे और वो क्या करेगा, वो रहेगा। तो ये मैम क्या रिटेंशन होता है, लैंड रिटेंशन, क्या लैंड लैंड रिटेंशन, रिटेंशन मतलब क्या होता है? जमीन धारणा मतलब भारतातील जमीन धारणे से स्वरूप, मतलब जमीन मतलब जिसके पास कितनी जमीन है, मेरे पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 100 एकड़ है, 500 एकड़ है, तो किसके पास कितनी जमीन है
और उसके अनुसार कितना रेवेन्यू देना है, और वो अलग अलग सिचुएशन मतलब अलग अलग कालखंड में किस प्रकार का रेवेन्यू भरा जाता था, तो उसका उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है, देखो आपका मौलवारी का अलग है, तो इसमें क्या दिया है, शेषसरा साधारणतः 30 से 40 वर्षांसाठी ठरविला जात असे, त्यात कालावधि, मैं आपको बोलू मैं मराठी में पढ़ू और वो आपका इंग्लिश में देखो, तो उसका ही हाँ उतना ही ले लो, उसमें भी हाँ मैं शॉर्ट करके बताऊंगी। देखो इस ठीक है मैम। सिस्टम में गावातील जो जमीन है वो क्या रहती है, किसी एक के मालिक की नहीं, वो पूरे गांव की जमीन रहेगी। तो इसमें या समाजाचे सभासद सरकारला शेतसारा द्यायचा संयुक्त रित्या व व्यक्तिशः बंदी असते, मतलब इस ये जो गाँव का जो शेतसारा टैक्स रहेगा वो टैक्स गवर्नमेंट को देना बंधनकारक रहेगा, कंपलसरी देना ही है। उसके बाद सरकारी व्यवहार करण्यासाठी वो हिशेबदार पशुपति आपल्या पैकी एकाला प्रतिनिधि नेमेल। अभी ये लाइन मत नहीं लेनी है तो मत ले लो, मतलब किसी एक को नेमेंगे मतलब चूज करेंगे। और ये जो हमारा जो शेतसरा है मतलब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं साल का, अभी 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 इस सिस्टम में हम 1 साल का भरते हैं, धारा बोला जाता है इसको। लेकिन उस टाइम पे महलवारी पद्धत में जो महलवारी सिस्टम है उसमें उन्होंने क्या किया है, तो छेतसरा मतलब खेती का जो टैक्स है वो कितने साल में भरा जाएगा, 30 से 40 साल का जो टैक्स उन्होंने निर्धारित किया है इन मतलब 2000 से लेके 2040 तक, या 2000 से लेके 2030 तक आपको इस खेत का इतना इतना टैक्स भरना है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल 30 साल का भरेंगे तो हमें ज्यादा भरना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे तो भी चल सकता है। त्याच कालावधी नंतर बदल करण्यात येईल ही पद्धत, अभी ये जो सिस्टम थी वो कहाँ कहाँ पे थी, तो बंगाल में थी, यूपी उत्तर प्रदेश में थी, और एमपी मध्य प्रदेश में, इन भागों में बहुत ही प्रचलित थी। प्रचलित थी मतलब यहाँ पे यही सिस्टम फॉलो की जाती है, भारत में इन 3 जगह पे बहुत करके ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें आपको क्या कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, पहला पॉइंट कौन सा, ये पूरे गांव की जमीन रहेगी। दूसरा पॉइंट, ये इसमें से किसी एक को क्या करेगा, सालाना इसका जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा, वो किसको भरना है, गवर्नमेंट को भरना है, और ये कंपलसरी किया गया है। तीसरा पॉइंट है 30 से 40 साल के लिए टैक्स भरने का कंपलसरी है। चौथा पॉइंट ये कहाँ पे है, तो ये सिस्टम बंगाल यूपी और एमपी इन तीनों राज्यों में बहुत करके ये सिस्टम चलाई जाती थी। ये होगा महलवारी, आपको दो पैराग्राफ है ना, तो ये मैंने एक ही पैराग्राफ में करके बताया, ठीक है, कैसे शॉर्ट करना है वो बताया, समझ में आया। हाँ मैम, तीसरा है रैयतवादी पद्धत, ये हमको रैयतवादी नहीं। मतलब दो ही दिए है आपको। हाँ हाँ, मैम, रैयतवादी लेकिन पद्धत मालवारी में है, एक रैयतवादी दिया है, मालवारी है। ऊपर दिया है, बट वो अलग नहीं दिया है। ऊपर देखो किधर दिया है, फर्स्ट लाइन में, पेज नंबर 49 पे। कहाँ पे है देखो, नहीं कल्टीवेशन नहीं पर्सन एज इन द रियातवारी सिस्टम, पेज कौन सा पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर फोर्टी 40। एट पेज नंबर हाँ 48 पेज नंबर पे, द टू द ओनर एंड द कल्टीवेटर, उधर से लेके मैम पेज नंबर 49 रियातवारी ओके ओके सिस्टम तलक ओके, है। वहां पे उन्होंने पैराग्राफ दिया है लेकिन उन्होंने उसका पॉइंट नहीं दिया है। हाँ हाँ, तो ये जमींदारी पद्धत है वो, आप ऐसे लिखो हाँ जमीन, हम लोग एक रैयतवारी पद्धत, रैयतवारी पद्धत, महलवारी पद्धत और जमींदारी पद्धत, ये तीन उन्होंने दिया है। हाँ रियातवारी में क्या होता है ना हाँ, मैम, इसमें क्या रियातवारी में क्या होता रैयतवारी दिया है ना आपको, नहीं नहीं सिस्टम में क्या होता है उसकी। रैयतवारी इसमें जमीनीची मालकी कसना रहती, मतलब जो जमीन खेती करेगा उसकी ही। अभी है ना 10 मिनट में लेक्चर खत्म होगा, तो लेना है आगे या नहीं लेना है, नहीं मैम अभी नहीं, क्योंकि फिर अभी मेरे नहीं को ना, खाना होना। ठीक है ठीक है, 10 मिनट में जितना होता है उतना हम लेते हैं। इसमें ना जो खेती करता है ना
उसकी मालकी, ऊपर हाँ वाले इसमें हमने क्या देखा, वो पूरे गांव की मालकी रहती थी। लेकिन इसमें अगर मैं खेती करती हूँ ना, इस खेती 10 एकड़ पे मेरा ही अधिकार रहेगा, 2 एकड़ रहेगा तो तुम मेरा ही अधिकार रहेगा, उसको पूरे गांव का नहीं अधिकार रहेगा, मैं इस गांव में रहती हूँ, लेकिन ये जो जमीन है सिर्फ मेरे ही मालकी की है, इसको रैयतवाड़ी कहते हैं। रैयत मतलब शिवाजी महाराज के उस टाइम पे जो ये रहता था ना, मतलब गांव के लोग रहते थे ना, उसको उनके राज्य में जो लोग रहते थे वो उसको कहा जाता है रैयत। रैयत मतलब हमारी जनता, राजा और प्रजा रहती ना, तो प्रजा को रैयत कहा जाता था उनके जमाने में, इसके लिए वो कहते हैं रैयतवाड़ी बंधन। तो इसमें रैयत का मतलब जनता, तो ये जनता की मालकी की, मतलब मैं ये इस राज्य में रहती हूँ तो ये मैं क्या हूँ, इस राज्य की प्रजा हूँ, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हाँ मेरी खुद की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है जमींदारी पद्धत। तो जमींदारी पद्धत है ना, तो इंग्रजांनी महसूलाच्या वसुली करता ये जो ये लाई थी जमींदारी पद्धत, इंग्रजों ने उस टाइम पे क्या किया, तो ये हमारा जो कारोबार इंग्रजों के हाथ में चला गया, तो इसमें तो इंग्रजांनी महसूल इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक मध्यस्थ मिडल मैन बोलते हैं ना, मिडल मैन, तो मिडल मैन को अपॉइंट किया। और ये मिडल मैन जो है वो क्या करता था, उसे जमींदार कहा जाता है। मतलब इंग्रजों ने कहा कि अभी ये 100 1000 ये जैसे कि पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट का पूरा जो आपका ये है टैक्स है, शेत सारा है, वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इस जमीन का मतलब ये हमारा जितना एकड़ जमीन रहेगा पालघर डिस्ट्रिक्ट का, वो उसके हाथ में चला जाएगा। और वो क्या करेगा, वो मिडल मैन मतलब जमींदार उसको कहा जाता है, मतलब इस इलाके का पूरा टैक्स आपको इकट्ठा करना है। ब्रिटिश क्या करते थे, मिडल मैन जो इंडियन थे उसको फुसला के अपने हाथ में करके लेते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे, मैंने जो मिडल मैन लेवा है तो मुझे 2 रुपया इकट्ठा करना है, इसका टैक्स 2 रुपया है, मैं मिडल मैन हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फोकट में थोड़ी ना इतना काम करूंगी, तो इसके लिए मैं 2 के बजाय 5 रुपए लूंगी, 4 रुपए लूंगी, 10 रुपए लूंगी, कितना, 2 रुपए मुझे उधर देना है और बाकी का मैं मेरे पास रखूंगी। तो इस पर अगर आपने दिया नहीं ना तो आपकी जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी, इस प्रकार के बहुत सारी लूट उस जमाने में की गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या कहा जाता है कि रैयतवाड़ी जमींदारी पद्धति में जो मिडल मैन था वो मिडल मैन को ही जमींदार कहा जाता है। और वो जमींदार क्या करती थी, ये टैक्स इकट्ठा करते थे। लेकिन जमींदार आपल्याकडे जमीन कुळाना कशाला द्यायचा, कुळाना म्हणजे कुळ कायदा है आपको आहे आगे इसमें, तो वो अब मेरे पास 100 एकड़ जमीन है लेकिन मैं 100 एकड़ जमीन नहीं कर पा रही हूँ, 10 एकड़ कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जिसको नीड है जिसके पास लैंड नहीं है उसको मैं बोलूंगी मेरे पास जमीन है आप कराओगे क्या, तो बोलता है करेगा, तो उसको 10 एकड़ दी, दूसरे को 10 एकड़ दी, किसी को 5 एकड़ दी, तो उसमें खेती करने वाले जो लोग हैं उसका जो हिस्सा है साल भर का जो कि कोई हिस्सा है वो जमींदार को देगा, और वो जमींदार क्या करेगा उसको काम करने के लिए, क्योंकि मुफ्त में तो जमीन देगा नहीं वो करने के लिए, इस प्रकार वो उसे क्या बोलते हैं कुल कायदा बोलते हैं मराठी में। और त्यांच्याकडून सालाना खंड, सालाना मतलब साल में जितना पैसा लेना है उस हिसाब से लेते थे। और कुळांच्या मालकी ये जमीन किसके मालकी की रहेगी, जो जमींदार है उसके मालकी, लेकिन इसमें वो जे उनके हाथ के नीचे काम करने वाले जो किसान थे उसको कुल बोला जाता है, उसके पास से क्या करते थे, अभी मेरे पास 1 रुपया है तो 1 रुपये मैं जमींदार के जमीन में खेती कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, मुफ्त थोड़ी ना मैं उसके खेत में काम करूंगी, तो वो जमींदार उस लोगों के पास से कितना, अगर मैंने 1 रुपया कमाया है साल भर में तो 1 रुपये में से वो 75 80 या 60 50% हिस्सा लेता था। अगर इतना बड़ा हिस्सा लेगा तो वो साल भर में क्या कमाएगा ना, मतलब खेती करने के लिए उसको पानी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, सीड्स लेना है, तो खर्चा तो रहता है, घर का खर्चा रहता है, खेती का खर्चा रहता है, उसके पास अगर मैन पावर है उनको देना पड़ेगा ना, डेली के डेली मजदूर जो लोग रहेंगे, अगर इतना बड़ा बड़े तौर पे वो खर्चा लेंगे तो वो खाएगा क्या। तो इसके लिए जमींदारी पद्धत में क्या किया जाता था, बड़ा बड़े से बड़ा
तौर पे ये क्या हिस्सा लिया जाता था। और ये जो मतलब ये उनकी आर्थिक पीड़न मतलब उनको टॉर्चर किया जाता है, इकोनॉमिक लेवल पे उनको टॉर्चर किया जाता है पैसे देने के लिए। और ये जो सिस्टम है तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, प्रदेश, जगह पे क्या किया जाता था, ये जमींदारी पद्धति वहां पे ज्यादा से ज्यादा होती थी। तो यहाँ तक समझ में आया आपको जमींदारी माहौल क्या था? हाँ और इसमें कौन सा यार, क्वेश्चन है? और आपने बोला उसके बाद वाला नेचर एंड नीड। नीड ना, हाँ, तो इसमें हाँ पहला पॉइंट क्या आएगा आपके? इसमें देखती हूँ मैं नीड क्या है आपकी। हाँ नीड दिया है, देखो आपको ना पॉइंट फॉर्म में नीचे दिया है, शायद वही लिख लो। शेष जमीन से न्याय वाटप करना चाहिए, जमीन सुधारने की गरज का है। अभी देखो 2-3 मिनट में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ना आपको सिर्फ इसमें हमारे इसमें क्या है ना, वो हमारा सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है मराठी वालों का, आपसे बेटर है, क्योंकि वहां पे उन्होंने पॉइंट फॉर्म में दिया है। तो पॉइंट क्या क्या है ना वो आपको बताती हूँ, आप बाद में पढ़ो, उस हिसाब से पॉइंट के हिसाब से आप लिखेंगे तो अच्छा पड़ेगा। मतलब ये जमीन सुधारना मतलब जमीन का जो किसी को ज्यादा गई है किसी को कम गई है, इसीलिए कोई गरीब गरीब है तो वो बहुत ही गरीब हो गया है, जो अमीर है वो बहुत ही अमीर हो गया है, मतलब उसको एक समान जैसा नहीं ही है। जैसे शीशो है ना, ऊपर जाएंगे तो मतलब ज्यादा वेट बढ़ेगा तो नीचे बैठेगा, कम होगा तो ऊपर जाएगा, तो शीशो शीशो के तरफ से कैसे है वैसे ही ये जो इकोनॉमिक है लेवल है वो ऊपर नीचे हुई है। बहुत कोई अमीर है तो बहुत ही अमीर बन जाएगा, अभी गरीब है तो गरीब, मतलब देश में उस टाइम पे 94% लोग अमीर गरीब थे, उनको जमीन की जरूरत थी, और 4-5% या 6% लोग है उनके पास इतनी जमीन थी कि उस जमीन का क्या करे, ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इसका समान वाटप मतलब सेम जमीन हर एक को मिलनी चाहिए, इसके लिए ये कायदा किया गया। तो इसके लिए उसको नीड क्या थी, मतलब मुझे क्या जरूरत है कि जमीन की क्या जरूरत है, उनको जमीन सुधारना ये एक्ट करने की क्या नीड है। तो पहला पॉइंट है शेष जमीन से न्याय वाटा, मतलब खेती का समान हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये पहली नीड है। दूसरा है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय प्रस्तावित करने, आर्थिक समानता मतलब इकोनॉमिक इसमें हर एक को समान दर्जा मिले, और सामाजिक न्याय सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस मिले, इसके लिए ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मध्यस्थन, जो उच्चाटन मतलब मिडल मैन है उसको निकालना है, वो हमेशा के लिए उसको क्या करना है नष्ट करना है, हमें मिडल मैन नहीं चाहिए। जो अगर मुझे आप फ्लैट लेते हैं, देखो मुंबई में बम्बई में फ्लैट लेते हैं तो हम क्या किसके हाँ पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, तो वो उसका हिस्सा लेता है कि नहीं। तो यही जो कौन है मिडल मैन, वो हमें मिडल मैन नहीं चाहिए, जो फर्स्ट मैन है जो हमें लेना है और बेचने वाला है, ये दोनों ही चाहिए, तो उसमें उनका खर्चा कम हो जाएगा। चौथा मुद्दा है भूमिहीन जमीन देने, जिसके पास इतनी सी भी मतलब पैर रखने की जमीन भी खुद की मालिकी की नहीं है, खुद के नाम पे नहीं है, उसको क्या कहा जाता है भूमिहीन, जिसके पास जरा भी लैंड नहीं है उसको भूमिहीन कहा जाता है। तो उनको खुद के मालिकी की जमीन देने के लिए ये कायदा करना जरूरी है, नीड हम देख रहे हैं ना इसके लिए। पांचवा है खंड हाँ निश्चितीकरण, खंड मतलब क्या, वो उनके पास से क्या लेते थे, देखो अभी शायद 1 मिनट ही रह गए, फटाफट बोल देती हूँ दो एक दो पॉइंट बाद में कल बताऊंगी। तो जिसके पास ये पहले 1 रुपये मेरे पास आया है साल भर का, तो जमींदार क्या करता है 75%, 80%, 60% लेते हैं, तो कुछ भी कोई भी कुछ भी लेता है। इसके लिए वो एक्ट किया गया, उसमें निश्चित किया गया 1/8, मतलब जो 1 रुपया कमाएगा उसमें का 1/8 हिस्सा ही हमें किसको देना है, जमींदार को देना है, ये उन्होंने डिसाइड किया गया। मतलब मेरे पास 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये में से मुझे 54 चार पैसा ही देना है, बाकी के